महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर मचे बवाल पर राज्य सरकार गंभीर हो गई है और खबर है कि गृह विभाग आज एक अहम बैठक भी करने जा रहा है। औरंगजेब के पोस्टर को लेकर महाराष्ट्र में हंगामा बरपा था, पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, महाराष्ट्र की कोल्हापुर में औरंगजेब आलमगीर बादशाह को लेकर बहुत दंगा चल रहा है। किसी ने उनका स्टेटस और रील्स बना दिया था, जिसके बाद औरंगजेब आलमगीर बादशाह को लेकर बहुत ज्यादा दंगा बढ़ चुका है। कोई कह रहा है औरंगजेब बादशाह बहुत जालिम था, हिंदुओं पर जुल्म करता था। कोई कह रहा है औरंगजेब आलमगीर बादशाह बहुत अच्छा इंसान था, लाखों मंदिरों को दान दिया था। दोस्तों, क्या आप औरंगजेब बादशाह और पंडित लालाराम की बेटी की कहानी जानते हैं? अगर नहीं जानते तो ये कहानी जरूर सुनिए। दोस्तों, औरंगजेब बादशाह ने 50 साल तक हिंदुस्तान में हुकूमत की और उन्होंने हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में अलग अलग शहरों में कुतवाल और गवर्नर मुकर्रर किया था। उनमें से एक शख्स जिसका नाम इब्राहिम खान था, उसको बनारस की गवर्नर बनाकर भेजा था। उस वक्त बनारस में मुसलमान कम और हिंदू ज्यादा रहते थे, उनमें भी ज्यादातर पंडित और पुजारी रहते थे। औरंगजेब बादशाह ने इब्राहिम खान को कहा कि खास करके बनारस की पंडित और पुजारियों पर किसी तरह की जुल्म और ज्यादती ना हो सके, इसका ख्याल रखना। दोस्तों, इब्राहिम खान ने औरंगजेब बादशाह के साथ वादा करके आया था, लेकिन बनारस में आकर उसने अपना वादा को तोड़ दिया और उसने पूरे बनारस में अपना जासूस छोड़ दिया। और उन जासूसों का काम यह था कि अगर वह कहीं भी कोई खूबसूरत और नौजवान लड़की देखे तो उसे जबरदस्ती उठाकर इब्राहिम खान की कोठी में लाकर छोड़ देते थे। बनारस में एक बहुत ही मशहूर पंडित थे जिनका नाम पंडित लालाराम था। पंडित लालाराम का लोगों में बहुत इज्जत था। पंडित लालाराम की एक बहुत ही खूबसूरत और नौजवान बेटी थी जिसका नाम शकुंतला था। एक दिन इब्राहिम खान की जासूसों ने शकुंतला को देखा तो इब्राहिम खान को खबर दिया कि इस जैसी खूबसूरत लड़की हमने आज तक कहीं नहीं देखा। जैसे ही इब्राहिम खान ने यह सुना तो फौरन पंडित लालाराम को एक चिट्ठी लिखा और कहा कि मैं चाहूं तो जबरदस्ती तुम्हारा बेटी को उठवा सकता हूँ, लेकिन लोगों में तुम्हारा बहुत इज्जत है, इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। मैं तुम्हें एक हफ्ता की मोहलत देता हूँ, एक हफ्ता के बाद मैं टोली भेजूंगा और उस टोली में तुम अपना बेटी को बैठा देना और लोगों में ये ऐलान कर देना कि मैं अपना मर्जी से मेरी बेटी को इब्राहिम खान की निकाह में देता हूँ। दोस्तों, जैसे ही पंडित लालाराम ने यह खबर सुना तो वह बहुत परेशान हो गए और अपनी बेटी शकुंतला को पूरी कहानी बताया। तो शकुंतला ने अपने बाप को कहा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने सुना औरंगजेब आलमगीर बादशाह बहुत ही इंसाफमंद बादशाह है, वह जरूर हमारी मदद करेंगे। शकुंतला ने अपने बाप को कहा कि सबसे पहले आप इब्राहिम खान के पास जाइए और एक महीने की टाइम लेकर आइए। पंडित लालाराम ने अपनी बेटी शकुंतला की बात सुनकर एक महीने की टाइम ले आया और शकुंतला घोड़े में सवार होकर औरंगजेब आलमगीर बादशाह के पास पहुंच गई। दोस्तों, पूरे 8 दिन का सफर तय करके औरंगजेब आलमगीर बादशाह के पास पहुंचने के बाद औरंगजेब बादशाह ने कहा, बेटी तुम अपना घर वापस चली जाओ और अपना बाप को कहो कि वह शादी की तैयारी करे। शकुंतला ने यह सुनकर बहुत मायूस होकर वापस चली गई। एक महीने की मोहलत खत्म होने के बाद पंडित लालाराम ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दी और जैसे ही इब्राहिम खान की टोली आया तो उन्होंने अपनी बेटी को सजा दजा कर उस टोली में बैठा दिया। जब पंडित लालाराम ने अपनी बेटी को टोली में बैठा दिया तो इब्राहिम खान बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि आज मैं बनारस की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। और उस खुशी में वो पूरे बनारस में ऐलान कर दिया कि आज मैं अपना दौलत को फकीरों में बांटूंगा। ये कहने के बाद उनके घर में बहुत सारे फकीर आ गए और जैसे ही वो अपना दौलत को बांटने लगा, वो अपना दौलत को बांटने के लिए एक फकीर के पास गया और उस फकीर ने इब्राहिम खान का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही इब्राहिम खान का हाथ पकड़ा तो इब्राहिम खान ने देखा कि वो फकीर कोई और नहीं बल्कि औरंगजेब आलमगीर बादशाह है और उसके घर में जितने भी फकीर आए हुए थे
वह सब औरंगजेब आलमगीर बादशाह की सैनिक थे। इब्राहिम खान ने जैसे ही औरंगजेब आलमगीर बादशाह को देखा तो वो गिड़गिड़ाने लगा और माफी तलब करने लगा। फिर औरंगजेब बादशाह ने पूरे बनारस के लोगों को बुलाया और कहा कि दो हाथी को लाया जाए। फिर दो हाथी को लाया गया और इब्राहिम खान की दोनों पैरों को दो हाथियों में बांध दिया गया। उसके बाद हाथी को दौड़ाया और इसी तरह इब्राहिम खान की जिस्म की दो टुकड़े हो गए। उसके बाद औरंगजेब बादशाह ने पंडित लालाराम और उनकी बेटी शकुंतला से माफी मांगा। फिर औरंगजेब आलमगीर बादशाह पंडित लालाराम के घर गए और दो रकात नमाज पढ़ा। दोस्तों उसके बाद पंडित लालाराम ने औरंगजेब बादशाह को कहा कि अगर आपका इजाजत हो तो आपने जिस जगह पर नमाज पढ़ा मैं उस जगह पर एक मस्जिद बनाना चाहता हूँ। फिर पंडित लालाराम ने उस जगह पर एक मस्जिद बना दिया। दोस्तों इस तरह औरंगजेब आलमगीर बादशाह एक बहुत ही इंसाफमंद बादशाह थे और उनकी हुकूमत में हमेशा अमन और सुकून कायम रहता था। उनका अमन और सुकून का मिसाल ऐसे दिया जाता है कि शेर और बकरी एक ही तालाब में एक साथ पानी पिया करते थे, लेकिन आज उनके बारे में लोगों को झूठा कहानी सुनाया जाता है, उनके ऊपर इल्जामात लगाया जाता है।